बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कर रहे हैं। हेलो, ये जो बदतमीजी होती है ना उस्ताद का, एक क्वेश्चन पढ़ो और समझो कि ये टॉक टाइम है, मैं क्लास से निकाल दिया करता हूँ, लिहाज नहीं करता बेटा। इज्जत कोई दे रहा है तो इज्जत को एब्जॉर्ब करें। ये नहीं आपने फीस दे दी है तो हमें खरीद लिया, ऐसे स्टूडेंट नहीं मुझे चाहिए। क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से, आवाज़ ना आए किसी की भी। क्वेश्चन पढ़ें। कल कितने कॉलम बनाए थे जल्दी से बोलें। बस बस जल्दी से क्वेश्चन पढ़ें, बस आवाज़ नहीं बीबी ज़ाया हो जाओगी। कोई कॉलम ना हुआ तो हम उसे खाली छोड़ देंगे, टेंशन नहीं लेनी। एक दो तीन चार, ये किसकी आवाज आ रही है, किसकी आवाज आ रही है? पांच, ये जो बाबे बाबे मेरी क्लास में खू खू करते रहते हैं ना, ये इंसान बन जाए। ये जवानियों में तुम्हारा हाल है, बुढ़ापे में पता नहीं क्या करोगे। जवानियों को दाग लगवा के बैठे हुए। क्वेश्चन पढ़ा है? yes, आवाज तो निकालो। ये गले साफ करने मुझे आते हैं, ये डोई मैंने इसलिए रखी हुई है। और जिंदगी में याद रखना, जो घर डांट सुनते हैं ना वो क्लास में आके डांटता है। समझ सकते हो तुम, मैं बताता हूँ समझ सकते का बच्चा। हाँ इसे समझाता हूँ बेटा, जरा ठहर जाओ जरा। क्वेश्चन का नाम क्या है? है तुम में से कोई डॉन? हॉस्टल वाला डॉन तो गया, अब माशाल्लाह तुम सीरियस हो गए हो सीए में। क्या कह रहे हैं? चलो मेरे बच्चों, अब अगर मैं बच्चा क्या कहना, यकीन का तेरी तरफ देखता हूँ फिर मैं खुद ही शर्मिंदा हो जाता हूँ। फॉर्मिंग इंफॉर्मेशन, अच्छा सेल्फ मेड है, और सर नीचे करके आओ। फॉर्मिंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू अ व्हीकल अक्वायर्ड बाय डॉन लिमिटेड। डॉन लिमिटेड ने क्या खरीदा है? व्हीकल खरीदा है, 125 ली है, हैवी बाइक ली है, ताकि रोड मास्टरी कर सके। क्या कर सके? रोड मास्टरी कर सके। और सीए का बच्चा रोड मास्टरी ही नहीं करता, में रखना सीए का बच्चा डिसेंट होता है। साथ हो जाओ। शेख कम खाया क्या, पता नहीं खा के फिटे जा रहे हो तुझे। एक एक 19 फॉर रुपी 50,000 व्हीकल इज बीइंग डेप्रिशिएटेड ऑन ओवर डीएल यूज इज रिवेल्यूएशन मॉडल फॉर इट अकाउंट्स फॉर रिवेल्यूएशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड द डिटेल्स ऑफ रिवेल्यूएशन एज कैरिड आउट बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर आर। कब कब रिवेल्यूएशन हुई? मेरा ईयर एंड कब है? 31/12/19, 20 and 21। इसका मतलब ईयर एंड पर रिवेल्यूएशन हुई। टेबल बनाओगे भाई? टेबल बनाओगे, क्योंकि टेबल बनाए बगैर आगे जा ही नहीं सकते। क्यों? जब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे इसमें एक कॉलम रिवेल्यूशन सरप्लस का है। जब तक रिवेल्यूशन सरप्लस फॉर द ईयर और एज ऑन नहीं होगा कहानी आगे। तो इसलिए मैं तुम्हें कहाँ लेके जा रहा हूँ? पीपीई में। कहाँ लेके जा रहा हूँ? पीपीई में। जल्दी से बनाओ, 5 मिनट है, 5 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से बनाओ। कितने कॉलम बनाओगे? 5 कॉलम, जल्दी से बनाओ। अब आपकी क्लास 8:30 हुआ करेगी डेली इंशाल्लाह। शर्मिंदा ना करवा देना, मेहनत करो शाबाश। दिसंबर के एंड में आपका टर्म टेस्ट रख रहा हूँ 80% सिलेबस का, सारे सब्जेक्ट्स का, ताकि इंशाल्लाह आईकैप की कंडीशन में हम आपको अवेल्यूएट कर सकें। 3.25 घंटे का होगा वो, सारी आपकी अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगी, उसकी तैयारी शुरू कर दें। बुरा तो मैं तुम्हें लगता हूँ, पागलों की तरह पढ़ाता ही रहता है, लेकिन एक दफ़ा सीए कर लो इंशाल्लाह सारे दाग धुल जाएंगे।
ये दागी है ना, इसे दाग अच्छे लगते हैं। चलो फिर दागी मिलेगा। डेट, डिस्क्रिप्शन, व्हीकल, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, आगे बोलो पीएनएल, रिटेन अर्निंग कितो आई है, पीएनएल। अंग्रेजी में बोल के लोग समझते हैं हम अंग्रेज बन गए। इंसान मनो हंसाया ना करो, कैमरा ऑन होता है। किसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं? डॉन लिमिटेड। अल्लाह करे तुम्हें डॉन टाइप ही मिले फिर तुम्हें पता चले। अल्लाह करे, आमीन सुम आमीन सुम आमीन। पता चले डॉन कैसे होते हैं। डॉन लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ, स्टेटमेंट ऑफ बोलो चेंजेस इन इक्विटी। जी मेरे बच्चों, कब की बनानी है? 3 साल की बनानी है, 19 की। तो यहां क्या लिखूं? फॉर द ईयर एंडेड, शाबाश, फॉर द ईयर एंडेड बोलो 31/12/21। तो मैंने तो फिर कम बनाया। जल्दी से करो बेटा। कितने बनाओगे? 3। कितने बनाओगे? 3। चलो पहले नाम लिखवा दो। पहला नाम शेयर कैपिटल, दूसरा नाम शेयर प्रीमियम, तीसरा नाम रिवैल्यूएशन सरप्लस, आगे बोलो रिटेन्ड अर्निंग्स, आगे बोलो जनरल रिजर्व। अगर इंशाल्लाह छुट्टी ना हुई ना कोई स्मोक की वजह से तो संडे ऑन है आपका। क्या बात है, ड्रामा पता नहीं क्या है। अमाउंट इन, अमाउंट इन रुपीस, राउंडेड टू मिलियन है बेटा। कहाँ लिखा है बेटा मिलियन? अच्छा भाई, ये सारे मिलियन है फिर। ये रुपी है, ये मिलियन है, तो इसका मतलब इसमें से नहीं, फिर ऐसे करें से। एक मिनट बेटा, ये रिवैल्यूएशन हुई। एसेट कितने का खरीदा था? 50,000। आए खामोश, 1,00,000 प्रॉफिट को 1,00,000 ही रहने दे, ये 50,000। इंसान बन जाओ, चुप हो जाओ 2 मिनट। इधर क्या लिखा था मैंने? 250। जो कितना लिखा था? 1,000,000 खत्म कर दो। चलो जी, 1,000,000 खत्म हो गया भाई। ये 1,000,000 खत्म हो गया, और अब तो नहीं टेंशन होगी? चलो अपनी टेंशन होगी, हो ही तो संभाल लेंगे, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह संभाल लेंगे, कहाँ पे 1,000,000 लिखना है, कहाँ पे नहीं लिखना है, कोई इशू नहीं है। ओके हो गया, 3 साल के बोर्ड बना लो यार। बातें नहीं बेटा, प्लीज प्लीज मेरे बच्चों प्लीज, टाइम कम है यार। तुम्हें 8:30 बनाने के लिए मैं 6:30 बजे का सुबह का आया हूँ, इसलिए कि R2 का भी नुकसान ना हो, इसलिए प्लीज टाइम ना वेस्ट करो। अब तो पड़ोसी भी शक करना शुरू हो गए,
कहीं बंदा 6 बजे उठ के कहाँ जा रहा होता है। लोग मस्जिद जा रहे होते हैं फजर पढ़ने और मैं राइज आ रहा होता। चलो अब हो जाएगा इंशाल्लाह, फॉर्मेट बन गया। आओ कब खरीदा है? एक एक कितने का खरीदा बेटा? 50,000 का। पहली रिवैल्यूएशन कब है? तो पहले क्या करूंगा? कितनी लाइफ है? डिवाइड करो कितना आया? WDV 1.5 बोलो। रिवैल्यूएशन सरप्लस? ओ बोलो तो सही यार। इसके बाद कौन है? इकतीस बारह कितनी है? ऊपर नीचे कितना? कहाँ लेके जाऊं? कितना यहाँ? कितना? मैं अकेला तो नहीं बचो? शाबाश, जल्दी जल्दी करो, पहली अटेम्प्ट में पास करना है इंशाल्लाह। 31 12 20 72,000 ओवर 27 ओवर कितना जी? शाबाश शाबाश। 63 बेटा टाइम पे आया करो, ये जो बच्ची लेट आ रही है, लेट नहीं आते। WDV 31 12 फिर 31 12 20 रिवैल्यूएशन सरप्लस, उसके बाद संडे को 3 घंटे के लिए बुलाऊं, 4.5 घंटे के लिए? मैं सीरियस हूँ, मेरे साथ तुम्हारा मजाक नहीं है। आओ तो कम से कम कुछ पढ़ के तो जाओ, कोई पता चले कि क्लास ली थी। ओए अल्लाह के बंदो, चलो बोलो। 32,000 ऊपर गया नीचे कितना? खुशी कितनी पड़ी थी? गम में कितना लेके जाऊं? अकेला तो नहीं हो? आगे बोलो क्या है? कितनी ओवर? 8,000 डिवाइडेड बाय 28,000। ओके ये क्या है? किस डेट की? दोबारा तो नहीं है कुछ? रिवैल्यूएशन है 31 12 रिवैल्यूड अमाउंट यहां क्या लिखो? कितना ऊपर नीचे? कितना? 0 बाकी? मैं अकेला तो नहीं? थैंक यू बेटा, शाबाश, जज़ाकअल्लाह। कॉपी करो जल्दी से, 1 मिनट लगाओ। मुश्किल टाइम चला गया, बस थोड़ी सी हिम्मत करो, सीए पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। थोड़ी सी हिम्मत करनी है बस। अभी मुझे नहीं पता स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या कह रहा है, मैं उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। एसी तेज कर दो, ये एसी भी ऑन कर दे। पहला बच्चा को है काम का नजर आया क्लास में, तो इसकी फिक्र कौन करेगा? तू बैठा हुआ आज से ना भाई। बेटा मुझे इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट बना दो 3 साल के। ओ भाई क्या बना दो?
इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट कितने साल के? 3 साल के। और अभी मुझे नहीं चाहिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा मैं तुम्हें याद करता हूँ जब क्लास खत्म हो जाती है, तुम भी याद करते हो या नहीं, या कहते हो शुक्र है जान छुट्टी हुए? क्या कहते हो? ये कौन है? बात तो सही है, इंसान बनो, नाम ना लोगों के बिगाड़ा करो, बुरी बात है, बहुत गुना है नाम बिगाड़ना। हाँ प्यार से किसी का नाम रखा है वो उसे पुकारते रहो। चलो भाई बनाओ जी एक्सट्रैक्ट, किसका? इनकम स्टेटमेंट का, कितने साल का? जल्दी से बनाओ। कहाँ से शुरू करोगे? सेल्स से, सेल्स से शुरू करो। दो हज़ार इक्कीस, दो हज़ार बीस, दो हज़ार उन्नीस। क्या लिखो बेटा? फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर लेस, इतनी लंबी कहानी नहीं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और क्या लिखो? रिवैल्यूएशन लॉस, फिर ऐड अदर इनकम। जो बच्चे सुबह जल्दी आ गए थे उन्होंने बोर्ड देखा होगा, सर ने यही बनाया हुआ था सारा। इसका मतलब ये सारी चीज़ें कहाँ यूज़ होती हैं? आर टू में, और बेसिक लेवल पे नहीं। जो लेक्चर नंबर तुम्हारा है वही लेक्चर नंबर उनका। इसका मतलब इतने पीक टाइम पे सिलेबस के यही चीज़ें सुबह मैं बना रहा था, एक एक चीज़ वही है, बट डॉक्यूमेंट चेंज कर देता हूँ, नया डॉक्यूमेंट बना रहा होता हूँ, बेस तो वही होती है सारी। तो ध्यान से पढ़ो बेटा, क्या लिखूँ? रीवैल्यूएशन गेन, ठीक है, और अगर डिस्पोजल आ गया तो वो बाद में देखेंगे। अब क्या आ गया? PBIT लेस इंटरेस्ट, PBT लेस टैक्स। ये केड़ी अंग्रेज है ये पैट। फिर क्या करो? अदर कॉम्प्रीहेंसिव रिवैल्यूएशन, इसी में खुशी आएगी और इसी में खुशी में कमी आएगी बेटा। क्रेडिट हुई तो खुशी में इजाफा और डेबिट हुई तो खुशी में कमी। चलो मेरे बच्चों शुरू करो। 19 की डेप्रिसिएशन बोलो, कितनी? 5,000। मैं अल्लाह से ये मांगता हूँ, अल्लाह मुझे जगाए रखा कर। मेरे बच्चे सो रहे हैं कोई मसला नहीं, मुझे जगाए रखी मेरे मालिक। आगे बोलो। 8,000 जी भाई, 4,000, ठीक है मेरा बेटा। आगे सुनो, कोई GP गया मैंने क्वेश्चन में, ये क्या? 19, 20 और 21, तो GP पे इसकी फिगर लिख दो। कितनी कितनी बीबी? ये 1,00,000 जो है ना, 1,00,000 जी, 1,00,000 ही है ना यार, ये बड़ा काम खराब करती है। चलो इसके बाद क्या यार? रिवैल्यूएशन लॉस जो PNL में आ रहा है, PNL में जो आ रहा है, और लॉस के ट्रांसफर की कहाँ है? लॉस का ट्रांसफर ये है बेटा, बस यही है ना। चलो बेटा कितना रिवैल्यूएशन लॉस कब है? 2020 में 8,000। नेगेटिव लिख दूं बेटा? अच्छा जी बस। अब आओ रिवैल्यूएशन गेन PNL में 7,000 कब? 27,000 नहीं भाई, वो रिवैल्यूएशन सरप्लस है। वर्ड पे गौर करें, इन दो जगह पे PNL आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है? ये PNL का डेबिट होता है और ये PNL का। बेटा गलती ना करो, वो रिवैल्यूएशन सरप्लस तो नीचे OCI की जगह है मेरा बेटा। चलो आओ, अब आओ रिवैल्यूएशन गेन कब आया? 21 में, 19 में नहीं है,
20 में नहीं है, 21 में कितना है? 7,000। ध्यान से बेटा, और हेजिटेट नहीं करना, प्यार से डांटूं प्यार से मजाक करूं वो अलहदा चीज़ है, पूछने का राइट 100 दफ़ा भी है आपके पास, बस बातें नहीं करनी पड़ते हुए। इंटरेस्ट आ जाएगा ईपीएस में, टैक्स आ जाएगा इंशाल्लाह कैश फ्लो में। अब आए अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, रिवैल्यूशन सरप्लस कितना आया? 27,000। कब? 2000 पॉजिटिव लिख दूं बेटा? अब आओ जी, जी भाई 20 में नहीं है, 21 में कितना है? 25,000। अब यहां बच्चा कहता है लॉस का ट्रांसफर तो रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन सरप्लस का ट्रांसफर तो रिकॉर्ड होता है। याद रखना, सरप्लस के ट्रांसफर की जगह स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, अरोज ड्यूरिंग द ईयर की जगह ट्रांसफर की जगह, और लॉस के ट्रांसफर की एंट्री। तीन बातें एक दूसरे को, चाहे बताओ तो सही आ गई है, तीन बातें एक दूसरे को सुनाओ। नंबर वन, लॉस के ट्रांसफर की एंट्री, और रीवैल्यूएशन सरप्लस अरोज ड्यूरिंग द ईयर, रीवैल्यूएशन सरप्लस का ट्रांसफर लिखो। नंबर वन, लॉस के ट्रांसफर की एंट्री नहीं होती, रीवैल्यूएशन लॉस के ट्रांसफर की एंट्री नहीं होती। आपकी क्लास मेरे साथ 10 बजे तक हुआ करेगी, 2 वीक के लिए, 8:30 से 10 तक। वो आपको पता है कि आपने एक यू टर्न किया है, उसकी वजह से मुझे वो दिसंबर वाले बच्चों को ना एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा, तो इसी तरह मैंने एक्स्ट्रा टाइम उनका एडजस्ट किया। ठीक है, क्या लिखा है? लॉस के ट्रांसफर की एंट्री, रीवैल्यूएशन सरप्लस अरोज इनकम स्टेटमेंट की आइटम है। रीवैल्यूएशन सरप्लस अरोज कहां की आइटम है? सॉरी, आओ जी, क्या लिखा है? रीवैल्यूएशन सरप्लस का ट्रांसफर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिकॉर्ड होता है। रीवैल्यूएशन सरप्लस का ट्रांसफर कहां रिकॉर्ड होता है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। ओके हो गया भाई? ओके हो गया? कितने साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है? आप सबसे पहले क्या लिखूं? ओपनिंग बैलेंस। कब का? 1/1/19। लाओ बेटा ढूंढ के लाओ। कौन सा? 24,000। ओ भाई ये मिस कर गए हो, भाई ये मिस कर गए हो, ये 8,000 यहां तो लिख दी है, लेकिन रिवैल्यूएशन सरप्लस जो डेबिट हुआ है वो यहां नहीं लिखा, तो यहां कितना है? 24,000, और है भी कच्ची खुशी में कमी। क्या है ये? क्या है? कच्ची खुशी में इजाफा, कच्ची खुशी में कमी, कच्ची खुशी में इजाफा, और जो ट्रांसफर है वो यहां नहीं आएगा, जो ट्रांसफर है वो यहां नहीं आएगा। ओपनिंग बैलेंस लिखो। इसके साथ 1,000 कर देते हैं, फिर पिक्चर सही बनेगी बेटा। इसके साथ क्या कर देते हैं? 1,000, फिर सही बनेगी, फिर हम बाकी जगह पे 1,000 कॉमन करके लिखते रहेंगे। बोलो जी, शेयर कैपिटल 250 लिखोगे ना बेटा? शेयर प्रीमियम जी बेटा नहीं है? रिटेन अर्निंग, जनरल रिजर्व 20, यहाँ लिख लो अमाउंट इन, अमाउंट इन 1,000, राउंडेड टू नियरेस्ट 1,000, टोटल कर बेटा 555। कहाँ? 25, टोटल करो 555। अब पेंसिल स्टॉप कर दो, मेरी बात सुनो,
डिविडेंड फॉर द ईयर इज, अब जरा ध्यान से, उधर है 31/12/19 का साल एंड हो रहा है, ये है इंटरम, ये है इंटरम, ये है बोनस, जो होगा फाइनल वो नेक्स्ट ईयर में जाएगा, कहाँ जाएगा, और जो होगा इंटरम वो सेम ईयर में होगा। मैंने कब कब की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, 19, 20, 21, 19 का इंटरम 19 में आएगा, 19 का फाइनल 20 में आएगा, नंबर टू हो गया, 20 में कुछ नहीं है, 21 का इंटरम, 21 का इंटरम, 21 का फाइनल, और ये मेरी कैलकुलेशन का पार्ट याद है की बात, तो लिख लो इंटरम सेम ईयर, फाइनल नेक्स्ट ईयर, इंटरम सेम ईयर, फाइनल नेक्स्ट ईयर। अगर 18 यहां होता तो 18 का इंटरम अठारह का इंटरम 18 में होता, और 18 मैंने बनाना नहीं, 18 का फाइनल 19 में होता, ठीक है। मजाक को सीरियस नहीं लेना, पूछते रहना और बोलते रहना ताकि गलत बात आउट हो और फिर उसको हम सही करें, अगर नहीं बोलेंगे तो गलत बात ही जहन में रहेगी। 18 का इंटरम 18 में, 18 का फाइनल 19 में, 21 का फाइनल, और वो मेरी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है। अब आए जी, पहले क्या लिखो, फाइनल, जरा देखते जाना, फाइनल डिविडेंड किसका, 18 का, किसका, और मुझे पता है वो क्वेश्चन में नहीं है, जान के लिखा ताकि फॉर्मेट पक्का हो जाए, याद है, क्लियर। अब फाइनल के बाद क्या आना है, इंटरम कब का, और बोलो ना 19 का, एक है दो है 19 में, एक ही है, कैश है बोनस है, कैश है, कितने परसेंट है, किसका लगाऊं, बोलो बोलो किसका लगाऊं, शेयर कैपिटल का, यहां क्या लिखूं, कैश डिविडेंड, क्या लिखूं, कितने परसेंट है, 250 का, कितना बना, 25, एंट्री बोले क्या, रिटेन अर्निंग डेबिट तो हो गया, क्रेडिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, क्या आप बताओ रिटेन अर्निंग को क्या करूं, कितने से, तो ब्रैकेट लगा दो, शाबाश बेटा, बोलना है चुप नहीं रहना, अंसारी क्या कर लेगा अगर गलत भी हुआ तो, लेकिन बात सही सामने आ जाएगी। इंटरम डिविडेंड हो गया, अब इसके बाद टोटल कॉम्प्रिहेंसिव, इसका मतलब क्या होता है, मैं भूल गया, इसके दो पार्ट हैं, शाबाश, अच्छा सही बोली बच्ची, एक पैट है, अब ये पैट कैलकुलेट करें, इसमें से ये माइनस करें, कितना आया, 95,000, ये करें 84,000, ये करें, ये बोले, और जा बीबी 1,03,000, देखो यही है, चेक कर लो बच्चे, गलती मेरे से भी हो सकती है, चेक कर लो बेटा, गलती मेरे से भी हो सकती है, 1,03,000 है, 84 है और 95 है, चलो भाई पॉजिटिव जमा किए, नेगेटिव माइनस किए। अब मुझे बताओ इस पैट ने कहाँ जाना होता है, और ये कच्ची खुशी, ये अरोज ड्यूरिंग द ईयर है, ये अर्नड ड्यूरिंग द ईयर है, क्या बोला, 95,000 रिटेन अर्निंग में ले आओ, 95 लिखना, 95,000 ना लिखना, क्योंकि 1,000 कॉमन लेके चलेंगे, उधर 1,000 कॉमन है। अब बताओ अरोज कितना है, 27, ये कहाँ लिखूं, रिवैल्यूएशन, मैं अकेला तो नहीं हूँ, याद है ना हमजा और अब्दुल रहमान, हाँ बस चलो अब क्या करूं, ट्रांसफर
टू रिटेन्ड अर्निंग्स, अब नहीं लिखेंगे फ्रॉम रिवैल्यूएशन, वो स्क्रीन से ही पता चल जाता है कि रिवैल्यूएशन से जा रहा है। अब देखो ट्रांसफर कितना हुआ 2019 में ट्रांसफर नहीं हुआ, वो तो 2020 में हुआ है, 19 में ट्रांसफर नहीं हुआ, इसका मतलब रिटेन अर्निंग डेबिट नहीं हुई, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट नहीं हुआ और रिटेन अर्निंग क्रेडिट नहीं हुई। अब देखें कोई जनरल रिजर्व का पॉइंट हो, जनरल रिजर्व का, भाई जनरल रिजर्व का नो सर नो। अब आओ क्लोजिंग बैलेंस पर, जल्दी से करो, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 250, आगे बोलो 138, आगे बोलो, आगे बोलो 212, आगे बोलो पंजी, आगे बोलो और यार 555, ये 25 नेगेटिव, ये और जाओ ये बोलो 122, ये नील, अब बोलो 652। अब मेरी नसीहत याद रखना, क्लोजिंग लिख के ओपनिंग ना लिखना, यहाँ क्या लिखना 31/12/19, ये इम्प्लाइड बात है कि 1/1/20 है, ओके हो गया। तो क्लोजिंग से आगे चला करूँगा, यहाँ तक कॉपी करो, जो ड्यूरिंग द ईयर कच्ची खुशी में इजाफा या कमी है उसे कहते हैं अरोज ड्यूरिंग द ईयर, अरोज ड्यूरिंग द ईयर रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाके ऐड लेस होगा, और जो पैट है अगर प्रॉफिट है तो रिटेन अर्निंग में ऐड होगा, लॉस है तो रिटेन अर्निंग से माइनस होगा, ये बात याद रखनी है। अब 2020 बनाना है, पहले क्या लिखूंगा, जल्दी जल्दी करो, फाइनल डिविडेंड कब का 2019 का, ब्रैकेट में क्या लिखो, एक है दो है, एक है क्या है बोनस डिविडेंड, क्या लिखूंगा बोनस डिविडेंड, बस बस बोनस डिविडेंड कितने परसेंट है 15%, किसका लगाऊंगा 250 का 15%, बोलो 37.5, एंट्री बोलो रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग को डेबिट करो कितने से 37.5, डेबिट करने का मतलब ब्रैकेट लगाओ, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करो, क्रेडिट करने का मतलब ब्रैकेट, क्या कह रहे 37.5, टोटल के कॉलम में जीरो, चलो जीरो, आगे करो जल्दी से, अब इंटरिम पे जाओ, इंटरिम नहीं है 20 का, इंटरिम नहीं है, ठीक है लिख दो ताकि फॉर्मेट पक्का रहे, इंटरिम डिविडेंड, और मैं अकेला तो नहीं हूँ, और डरना नहीं है कि R1 बहुत मुश्किल पेपर है, R1 बहुत आसान पेपर है भाई साहब, बस रोज़ के रोज़ तैयारी करनी है इंशाल्लाह, चलो जी ओके हो गया, आगे क्या कहूँ, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, संडे ऑन है फिर बता रहा हूँ, और अगर बुलाओ यह है ना तो इंशाल्लाह कोई 3-4 घंटे लगाएंगे, 2-2.5 घंटे के आने का कोई फ़ायदा नहीं है, आराम से सुकून से कोई सेशन लगाएंगे ताकि कुछ चीज़ें कर सकें कवर, चलो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 20 में आओ 80, ये कहाँ लिखो, फिर कहाँ जाऊँ, लेकिन साथ क्या लिखूँगा ब्रैकेट, क्या लिखूँगा ब्रैकेट, क्योंकि अरोज जो है वो राइट ऑफ हुआ है, सॉरी सॉरी गुस्सा नहीं करते, 80 आगे बोलो 24, ब्रैकेट लगा दूं 24 के साथ, टोटल का कॉलम 60, कितना 60, आगे चलो ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स, बोलो कहाँ है 2020 में, ये 31/12/20 को 3000 का ट्रांसफर, ट्रांसफर की एंट्री बोलो, ये 3 से डेबिट, ये 3 से क्रेडिट, यहाँ नील, और जनरल रिजर्व को कोई ट्रांसफर वगैरह नहीं हो रहा,
नहीं हो रहा है ना, कहीं लिखा हुआ तो नहीं जनरल रिजर्व का? और नहीं है ना? चलो जी बेटा क्लोजिंग बैलेंस बोलो। हाँ बेटा क्लोजिंग बैलेंस 31/12/20 बोलो जी। 287.5 138 जीरो। आगे लो बेटा 725 700। तो फिर ये 0.5 नहीं आना चाहिए, 2.5 है। थैंक यू बेटा बोलो 700। लो भाई तीसरा साल तुम बना दोगे? कितनी देर लोगे? 2 मिनट लो, जल्दी से लो, 2 मिनट ले लो। 2 इंटरम है, ध्यान से 2 इंटरम है भाई। जी भाई क्या सिखाया था? क्या हटा दो भाई, क्या हटा दो? लाइन हटा दो। क्या लिखो? फाइनल डिविडेंड किसका? 2019 का, 2019 का 20, अच्छा 20 का, 2020 का नहीं है। अब कहाँ जाओ? इंटरिम डिविडेंड। क्या बताया था? अगर एक ही दिन दोनों हो तो पहले कैश, क्यों? अभी लॉजिक पता चल जाएगी। इंटरिम डिविडेंड कब का? 2021 का। पहले कौन सा? कैश वाला। कितने परसेंट है? 287.5 का बोलो 34.5 एंट्री बोलो। रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल कितने से? 34.5 डेबिट का मतलब यहां ब्रैकेट लगाऊं और दूसरी आइटम डिविडेंड पेएबल में चली गई, वो लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। फिर इसी दिन इंटरिम डिविडेंड किस साल का? 2000 कौन सा? बोनस। कितने परसेंट किसका? कितने परसेंट कितना बना? एंट्री बोलो। रिटेन अर्निंग डेबिट कितने से? 43.5। ये डेबिट। शेयर कैपिटल कितने से? पॉजिटिव। अब अगर मैं बोनस को पहले कर देता तो ये इसमें ऐड हो जाता, और जब कैश डिविडेंड दे रहा होता तो फिर इस पे ना देता, इसको भी देता। और ये वो शेयर होल्डर होते जिन्हें 2 मिनट पहले शेयर्स मिले और साथ ही डिविडेंड मिल गया। हालांकि रूल ये होना चाहिए कि साल गुजरे या कुछ टाइम गुजरे तो इन्हें डिविडेंड मिले। इसलिए रूल क्या है? कैश डिविडेंड पहले, अगर दोनों एक ही दिन हो, अगर दोनों एक ही दिन हो। इंटरिम के बाद टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव लो भाई पैट में। इसे कहां पार करूं पैट को? 1,03,000 103। और ड्यूरिंग द ईयर अरोज कितना हुआ है? ये रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना? 25। अब टोटल के कॉलम में आए 34.5 ब्रैकेट 43.125। कुछ नहीं करना, ये 0-0 हो जाएगा और ये 128 पॉजिटिव। चलो भाई टोटल करें 33.625। नेक्स्ट 138 25 286.875। नेक्स्ट टोटल 805.5।
5, शाबाश। यहां क्या लिखो? क्लोजिंग बैलेंस क्या? लॉस के ट्रांसफर की कोई एंट्री? क्लोजिंग बैलेंस कब का? 31/12। कोई टेंशन, हेड डाउन करें जरा ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए, सर झुका लें, झुका लिया, क्या कह रहे, बस कर दिया। वो अहमद को चेंज कर दे, फिर अगली दफा फिर मसला पड़ेगा। ओके हो गया? और कुछ ग्रिप बनी है? यस सर। चलो अब क्या होगा? अंसारी तेरे इरादे नेक नहीं नजर आ रहे। हाँ मेरे इरादे नेक नहीं है। पिछले वीक की रेक्टिफिकेशन और इस वीक की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी दोनों के सींग फंसाने लगा। दोबारा सुन लो, पिछले वीक की रेक्टिफिकेशन, इस वीक की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी दोनों के सींग फंसाने लगा। अब कौन इससे निकल सकेगा? जो अपने जहन को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, एक हिस्से में क्या रहे? रेक्टिफिकेशन, और एक हिस्से में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जहां स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रेक्टिफिकेशन आए, फौरन वापस जाओ और सोचो क्या है। ओके, ले आऊं क्वेश्चन? और ले आऊं? अच्छा जी, ज्यादा जोर से ना बोला करो, कमजोर दिल का मालिक हूं भाई, आपकी मेहरबानी। अगली को भी मैं ये कहता हूँ, काम सारे करूंगा, जरा आराम आराम से कहा कर भाई। ये जो डाडा लहजा है ना, ये नहीं बड़ा खतरनाक होता है। करते हैं यार, सारा काम करके ही गुजारा होता है भाई। जी बेटा, मच्छर है? आई लव यू। चला गया मच्छर, चला गया। अब पता नहीं मछली थी या मच्छर था। चलो मलिक साहब को बुलाएं, उन्हें कहें बच्ची कह रही है मच्छर। ले रहा बेटा, इंसान माना है। स्प्रिंग 21 क्वेश्चन नंबर, कितने मार्क्स? मांग क्या रहा है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कब की? 2020 की। अच्छा, इस क्वेश्चन में करने वाला काम थोड़ा सा है, समझने वाला काम ज्यादा है। हम क्या करते हैं, हम समझे बगैर शुरू कर देते हैं क्वेश्चन। सिर्फ 5-7 मिनट इसको समझने में लगा, यार ये कह क्या रहा है यार, बाकी बातें बाद की हैं। इंग्लिश मारी भी है उसने थोड़ी सी, क्या मारी भी है? इंग्लिश। तो ये अंग्रेजन तो फौरन कर लेगी, तो हमारे जैसों को मसला पड़ेगा। चलो भाई, हाँ ये तो हुरैरा के लिए है ना, ना दे हुरैरा, इसमें तेरी तस्वीर तो नहीं है कोबरा वाली? मेरी चाय कवर करो, चाय पे पिर्च रख बीबी, एक मिनट बीबी, नो माइंड, आंखें बंद करो बच्चियों, तुझे छींके आती हैं। चलो सारे कट पीस इधर ही आने दे, चल भाई रहने दे यार, तुझे छींके आती है। बेटा उधर स्मेल आती है, जल्दी से करो। एक जुमला है इंग्लिश का जिससे इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना है, ध्यान से पढ़ो। एक लाइन इंग्लिश की लिखी हुई है, चैलेंजिंग नहीं है, सिंपल उर्दू का तर्जमा करना। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह सारी जिंदगी यही कहूंगा कि चैलेंजिंग के बगैर ही आपका पेपर पास होगा। बोनस एवरेज को बस फोकस करना हमने। अभी क्या देखते हैं बेटा, ठीक है, होम ट्यूशन नहीं है, क्लास है, आ जाओ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू एल, बस खामोश बेटा। शेयर होल्डर्स इक्विटी हैज ऑन 1/1/20, शेयर कैपिटल लिखो बेटा 250, शेयर प्रीमियम 130, रिवैल्यूएशन सरप्लस जमा करो 45, रिटेन्ड अर्निंग्स कितना 142, जनरल रिजर्व नहीं है, टोटल 575,
575. प्लीज बेटा, अब इसके बाद क्या आना है? फाइनल डिविडेंड कब का जी? 2000 ओपनिंग कब का है? 1/1/20. अब आ जाओ भाई, ये 19 का इंटरम मेरे क्वेश्चन में नहीं है, 19 का फाइनल है, 20 का इंटरम है, फाइनल कोई मसला तो नहीं? फाइनल डिविडेंड कैश है बोनस है भाई? कैश है बोनस है? बोनस है 2000 और यहाँ बोनस कितने परसेंट बेटा जी? 250 का कितना बना? एंट्री बोले रिटेन एंडिंग डेबिट कोई इश्यू तो नहीं? इधर नील आ गया, इसके बाद क्या है? इंटरम डिविडेंड कब का? 2000 कौन सा है? कैश कितना है? आप बताओ वो 12% किस पे, इस पे या दोनों को जमा करके? 250 प्लस 50 इंटू 12% बोलो, एंट्री बोलो, रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, यहाँ 36 आ जाएगा। ओके हो गया भाई? ओके हो गया। अब जरा ध्यान से पढ़े, अब नंबर आने लगा किसका? टोटल बोलो, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ध्यान से सुननी है इंग्लिश, ध्यान से इंग्लिश सुननी है। क्या कह रहे हैं इस टॉपिक में? जब प्रॉफिट बोलेगा पैट होगा, जब प्रॉफिट बोलेगा क्या होगा? पैट होगा। एज पर क्या मतलब? ड्राफ्ट का फाइनल नहीं है, इसका मतलब रेक्टिफिकेशन है। इसका मतलब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का मतलब बताए? ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग नहीं पूरा बोला, तो ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस टू। क्या कह रहा है? मेरे अकाउंट्स कह रहे हैं प्रॉफिट कितना है? 40। मेरे अकाउंट्स कह रहे हैं ट्रांसफर कितना हुआ? 5। अच्छा जी हुआ। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस दो है, एक लैंड और एक बिल्डिंग। नीचे डाटा भी दो का है, एक लैंड का और एक बिल्डिंग। लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है। इसका मतलब ये जो मॉडल है, ये जो टेबल है, ये एक नहीं दो बनाऊंगा। अब अगर मैं लैंड के लिए बनाऊं, मेरा साल कब एंड हो रहा है? 31/12। मैं शुरू कब करूंगा? 1/1/20। यहां लिखूंगा कॉस्ट स्लैश WDV। ये मुझे पता है कि लैंड के लिए क्या आएगी? कॉस्ट। लेकिन इसी के साथ लिखूंगा रीवैल्यूड अमाउंट भी। क्यों? कोई बताए रीवैल्यूड अमाउंट क्यों लिख रहे हो अंसारी? ये देखो 1/1/20 को क्या पड़ा हुआ है? रीवैल्यूएशन सरप्लस। इसका मतलब लैंड अपनी कॉस्ट पे नहीं पड़ी है, लैंड अपनी रीवैल्यूड अमाउंट पे पड़ी है। सरप्लस का ओपनिंग बोलो, लैंड का, लैंड का 25। मेरे साथ रहना। लैंड डेप्रिशिएबल एसेट है, नॉन डेप्रिशिएबल? नॉन डेप्रिशिएबल है। तो हर साल इसका रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर होता है? नहीं होता। कब होगा? जब डिस्पोजल होगा। तो लिखो लैंड का सरप्लस हर साल ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा, लैंड का सरप्लस हर साल ट्रांसफर बोलो नहीं हो रहा होगा, लैंड का सरप्लस हर साल ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा। अब जरा ध्यान से, बस
लैंड का सरप्लस हर साल ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा, डिस्पोजल पर ट्रांसफर होगा। कब ट्रांसफर होगा? ये क्या लिखा हुआ? इधर देखो ना यार, ये क्या लिखा हुआ? कब? किसकी? यहां उसने लिखने में कॉस्ट लिखी है, यहां रीवैल्यूड। किसने बताया? रीवैल्यूड अमाउंट भी है, क्योंकि रिवैल्यूशन सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस है। कितनी है लैंड? ये कहानी कब की है? एक एक बीस की, एक एक बीस की, एक एक। जब रीवैल्यूअर आया तो उसने लैंड को कितने पे रीवैल्यू कर दिया? रीवैल्यूएशन कब हुई? साल के आखिरी दिन। अब जब साल का आखिरी दिन आया होगा 31/12/20 को, बोलना ना सिर्फ देखना, तो यहां अगर डेप्रिशिएबल होता तो डेप्रिसिएशन भी होती और ट्रांसफर भी होती। नो डेप्रिसिएशन, नो ट्रांसफर। तो 31/12/20 को डब्ल्यू डी वी या रीवैल्यूड अमाउंट जो मर्जी बोलें, कितना? 75। और कौन आया, कब आया, क्या लाया, कितने की? 60। ऊपर गया, नीचे कितने से, कहां से निकाल दूं? कच्ची खुशी में से कितनी बची? 15। इसका मतलब कच्ची खुशी हैवी थी, गिरी है, लॉस में नहीं गई, कच्ची खुशी में कमी आई। यहां क्या लिखो? रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये क्या है? 31/12/20। इसे कह दूं रीवैल्यूएशन लॉस है? नहीं है। क्या है? कच्ची खुशी में, और कच्ची खुशी में कमी तो यहां लिखी जाती है। साल कौन सा है? 2020। अब बताओ 2020 में ये 10 यहां क्या हुआ? ब्रैकेट। किसकी वजह से? लैंड की वजह से। ओके भाई, ओके। अच्छा इसकी एंट्री बताओ, कच्ची खुशी में कमी आई है? एंट्री बोलो, कच्ची खुशी में कमी आई है। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, और लैंड क्रेडिट। अक्सर लोग कहते हैं तू पढ़ाने में इतना जुनूनी क्यों है, क्योंकि खेलना ही जीत के लिए चाहिए, हार के लिए खेले तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए जीत के लिए एक अटैम्प्ट होती है सीए में, और सीए का कुलिया याद रखना, फर्स्ट अटैम्प्ट इज़ गोल्डन अटैम्प्ट। जितना पास होने का चांस पहली अटैम्प्ट में होता है, किसी अटैम्प्ट में नहीं होता। ये 29 साल के सीए के तजर्बे के बाद बता रहा हूँ, 5.5 साल की अपनी क्वालिफिकेशन और 23वां साल पढ़ाते हुए हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 29 साल के बाद ये मैं कह सकता हूँ कि पहली अटैम्प्ट गोल्डन अटैम्प्ट होती है। टीचर का भी पूरा जुनून होता है और बच्चे भी पूरे एनर्जेटिक होते हैं। दूसरी अटैम्प्ट में तो पढ़ने को दिल नहीं चाहता। मैं ये नहीं कह रहा कि सीए में फेल नहीं होना, क्योंकि सीए में सारे पास नहीं होते, लेकिन बस मेरी ख्वाहिश होती है कि पहली अटैम्प्ट में हम खेल रहे हो, मज़ा उसी का आता है। वो कहते हैं ना, देख उतरे तो पहली जो प्लेट होती है ना पुलाव की या बिरयानी की, सारा जायका उसी में होता है। उसके बाद वो ठंडी हो गई तो है वो बिरयानी पुलाव, लेकिन वो जायका नहीं है। अम्मा जब दम के बाद चावल उतारती है ना, तो वही प्लेट खाने की होती है। उसके बाद रखा गया तो वो पुलाव गई, वो जीरो हो गई, वो मज़ा नहीं है। ऐसी दूसरी अटैम्प्ट है बेटा, पहली अटैम्प्ट के लिए खेलो। अब आओ जी, आप कौन है? बिल्डिंग। कौन है? बिल्डिंग। टाइम का नहीं पता चलता यार, 1.5 घंटा तो ऐसे लगता है ये गया वो गया। वल्लाही शायद तुम्हारा दिल नहीं होता क्लास में, इसलिए तुम्हें पता चलता है। एक एक बीस, यहाँ क्या आएगी? डब्ल्यू डी वी, क्योंकि आप बिल्डिंग की बात है। अब ज़रा ध्यान से भाई, बहुत ध्यान से। क्या कह रहा है? ये बैलेंसेज हैं 31/12 के, लेकिन रीवैल्यूएशन से 240 कॉस्ट है और 60 उसकी। इसका मतलब जब रीवैल्यूअर आया तो उस वक्त डब्ल्यूडीबी कितने पे थी?
180 पे थी, 180 पे थी, कितने पे थी? अब जरा ध्यान से सुनना, अगर ये 31/12/20 को 180 पे थी तो 1/1/20 को तो 1/1/180 पे नहीं थी। कैसे? अब मैं वो लाइन पढ़ा रहा हूं जिस पे क्वेश्चन बेस करता है, ये AL uses revaluation model for subsequent measurement of its land and, ये तो मुझे भी पता था, the revalued amount of land and building have been assessed at 31/12/20, वैल्यूअर ने वैल्यू लगा दी, बट हमेशा खतरनाक होता है, हाँ, बट खाए हुए भी माशाल्लाह 5-6 कुलचे खा के कहते हो यार मैं खाना खा के आया था, तो इंसान को हर कोई मिल जाए बट दोस्त ना बने उसका, क्योंकि बट दोस्त होगा तो फिर आपको पता है जो होगा, तो बट खतरनाक होता है, बट माइंड नहीं करना, क्योंकि मेरा अपना एक दोस्त बट जो है माशाल्लाह आके कहता हूँ सारी खाया हुआ है, और उसके बाद माशाल्लाह जो कुछ होता है ना पूरा निकाल के कहते हैं यार कावा भी ले आई जरा है आ जाओ, बट नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन, क्या कहते हैं, असेस हो गया लेकिन रीवैल्यूड अमाउंट अभी तक अकाउंट्स में नहीं आई। अब सोच के बताना, यही तो खेल रहता है कॉन्सेप्ट का, क्या इस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुकी या होना बाकी है? किसने बताया? जी जी, रीवैल्यूएशन से पहले की फिगर है, एक इसने बताया, एक इसने बताया, क्या ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग हो चुका? याद करो 1/1/20 के बाद जब 31/12/20 आया तो यहां डेप्रिसिएशन हुई होगी, यहां ट्रांसफर भी हुआ होगा, यहां ट्रांसफर भी हुआ होगा, इसका मतलब कोई WDU हुई होगी, यहां कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई होगी, लेकिन जब WDV ओपनिंग है तो फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस भी तो ओपनिंग है, कितना बोलो 20 का, इसमें से कितना ट्रांसफर हो गया 5 का, इसका मतलब है ये कितना पड़ा हुआ था 15, और यहां कौन थी, कोई WDV थी, कोई WDV थी, कब 31/12/20 को, सुनते जाना, फिर 31/12/20 को कौन आया, रिवैल्यूड अमाउंट लाया, कितनी बोलो 158, और वो WDV कितनी है 180, ये वो वैल्यू है जो रिवैल्यूअर ने आके अपनी रिवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर की, क्योंकि इसमें इस साल की डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है, मुझे नहीं पता कितनी माइनस हुई, इस साल ओपनिंग WDV थी लेकिन मुझे नहीं पता कितनी थी, उसमें से ये माइनस होके 180 बची है, अब मुझे बताएं गिरा है या उठा है, कितना गिरा है 22 गिरा है, कितनी खुशी पड़ी थी, ये खत्म हो गई, कितने गम में जाऊं 7 में, ये गम है, यहां क्या लिखूं रीवैल्यूएशन सरप्लस, क्या लिखूं रीवैल्यूएशन सरप्लस, किस डेट को, एक मिनट बेटा 31/12/20, दोबारा सुने, ये बैलेंसेस कब के हैं, रीवैल्यूएशन से पहले, अब जहन में आता है सर रीवैल्यूएशन से पहले तो हो सकता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ना हुई भी हो, ये क्या कह रहा है, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट आ चुका, प्रॉफिट आ चुका तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुकी, ये अलहदा बात है कि वो सही है या गलत है, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग हो चुका, ये देखें ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग हो चुका, तो ये देखें ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग तो डेप्रिसिएशन के बाद होता है, क्यों, यहां कोई WDV होती है उसको रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करते हैं, यहां कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है उसको रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करते हैं, अगर ये हो चुका तो इंप्लाइड बात है ये भी हो चुका, अगर ये हो चुका तो ये 180
WDV है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होने के बाद। अब मुझे बताएं इसकी एंट्री क्या है, इसकी एंट्री बिल्डिंग क्या हुई भाई, बिल्डिंग क्या हुई क्रेडिट कितने से, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या हुआ कितने से, और रिवैल्यूएशन लॉस क्या हुआ कितने से, बोलो बोलो कितने से, सात से, सात से। अब वो ये कह रहा है कि भाई साहब ये मैंने अभी इनकॉर्पोरेट नहीं किया, ये कहां लिखा है कि ये इनकॉर्पोरेट नहीं किया, ये देखो बट नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन, क्या इनकॉर्पोरेट नहीं किया, रिवैल्यूड अमाउंट इनकॉर्पोरेट नहीं की, ये एंट्रीज अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई। अब जरा ध्यान से, इसकी जगह OCI, इसकी जगह OCI, इसकी जगह प्रॉफिट एंड लॉस। अब मुझे बताएं रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या हुआ, डेबिट लैंड की वजह से और बिल्डिंग की वजह से भी कितना, 15 से। अच्छा जी ये क्या है PNL, डेबिट कितने से, बोलो सात से, यानी ब्रैकेट लगी, यानी ये तीन चीजें अभी तक यहां इनकॉर्पोरेट नहीं हुई। अब जब टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम लिखूं तो उसने क्या कहा, प्रॉफिट कितना है, क्या ये फाइनल है या अनएडजस्टेड है, इसमें ऐड करूं या लेस करूं, इसमें लेस करो कितना, 7, कितना, इसका मतलब कह सकता हूं ये यहां कहीं 45 है, अब इसमें से 7 निकला तो कितना आया, 30, ये अनएडजस्टेड 45 है, इसमें से 7 निकालूंगा तो 38 आया। अब इस 38 को यहां लिखना है रिटेन अर्निंग्स में, अगर मैं रेक्टिफिकेशन ना करता तो मैं कितना लिख देता, 45, कितना लिख देता। अब मुझे बताओ रिवैल्यूएशन सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर क्या है, कच्ची खुशी में इजाफा या कच्ची खुशी में कमी, कितनी, 25, इस 25 को यहां लिख दूं, 7 क्या लगाऊं, ब्रैकेट, अब नेट करके लिखूं तो कितना आएगा, 30। ये है पॉइंट, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेक्टिफिकेशन, इतना कॉपी करो फिर आके जाऊंगा। इसके बाद क्या होता है, ट्रांसफर टू, बोलो भाई ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स, आ जाओ जी ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स, भाई बोलो यहां कोई ट्रांसफर, ओ भाई यहां कोई ट्रांसफर, यहां कितना है, कहां से निकलेगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस से कितना, 5, ये निकल गया, ये डेबिट हो गया, और रिटेन अर्निंग 5 से, और ये नील हो गया। अब क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा, बनाओ क्लोजिंग बैलेंस। इस तरह के क्वेश्चन में आपको करवाता रहूंगा ताकि आपके चारों तबक रोशन रहें, और याद रखिएगा अगर मैं करवाने से नहीं डरता तो आपने भी करने से नहीं डरना, करते रहेंगे इंशाल्लाह जीत जाएंगे। ये नहीं अपने जहन को कहना यार इतने मुश्किल मैं कैसे करूंगा, तुमसे भी नहले बच्चे आए वो कर गए, उनसे नहला खुद उस्ताद था, उस्ताद को अल्लाह ने करवा दिया, तो भाई हम भी आपकी तरह ही स्टूडेंट हुआ करते थे, बस लगे रहते थे, लगन थी यार CA करने, हजारों में एक होना, कहलवाना है फैमिली में, क्या शुरू किया था तो माशाल्लाह मुकम्मल किया, बस ये लगन होगी तो करते रहोगे, फिर रात को नहीं कहोगे काम को मुझे नींद आ रही है, नींद को कहोगे कि मुझे अभी काम करना है। क्लोजिंग बैलेंस कब का, 31/12/20, बोलो 300 138 15 90 550, कॉपी करो, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।